एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। मैं हूं रूपा और आज मैं आ गई हूँ केयरशीट एरोमाथेरेपी का तीन फेमस प्रोडक्ट का कंपैरिजन वीडियो लेके। हाँ, फर्स्ट प्रोडक्ट है केयरशीट एरोमाथेरेपी टेट्रा स्किन व्हाइटनिंग क्रीम एंड सेकेंड वन है केयरशीट एरोमाथेरेपी फेयर एंड ब्राइट डे क्रीम। थर्ड वन है केयरशीट एरोमाथेरेपी स्किन डिफेंस ऑरेंज क्रीम। चलिए आज ये तीन प्रोडक्ट का कंपैरिजन आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड के मन में बहुत सारा क्वेश्चन है कि ये यूज़ करूँ या वो, कौन सा वाला सबसे अच्छा है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट मैं बता देती हूँ, ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट का रिव्यू प्लस डेमो ऑलरेडी मेरे चैनल में अपलोडेड है, तो मैं आज डिटेल्स में नहीं बताऊंगी, बस बताऊंगी कि ये प्रोडक्ट काम क्या करते हैं। तो फर्स्ट है केयरशीट एरोमाथेरेपी टेट्रा स्किन व्हाइटनिंग क्रीम। इसका प्राइस है 839 रुपीस फॉर 50 ग्राम। तो ये है एक प्रीमियम रेंज। अगर आपके प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, अगर आपके स्किन है पूरा का पूरा डल, ड्राई, डैमेज, स्किन में कोई ग्लो नहीं है, स्किन में ब्राइटनेस भी नहीं है, तो आप यूज़ कीजिए केयरशीट एरोमाथेरेपी टेट्रा स्किन व्हाइटनिंग क्रीम। ये यूज़ करने से डे बाय डे आपकी स्किन हो जाएगी ब्राइट और स्किन में एक अलग सा ग्लो आ जाएगी। फर्स्ट यूज से ही आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगी। और केयरशीट एरोमाथेरेपी टेट्रा स्किन व्हाइटनिंग क्रीम है ऑल स्किन टाइप। आपकी स्किन टाइप जैसे भी हो आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टेट्रा स्किन व्हाइटनिंग क्रीम पूरा का पूरा मैट फिनिश स्किन में दे देते हैं, स्किन को इवन बनाते हैं और स्किन को बनाते हैं गॉर्जियस। हाँ, एक गॉर्जियस लुक आप लोगों को मिल जाएगी टेट्रा स्किन व्हाइटनिंग क्रीम यूज करने से। तो चलिए अभी बातें करती हूँ सेकेंड प्रोडक्ट के बारे में। सेकेंड है केयरशीट एरोमाथेरेपी फेयर एंड ब्राइट डे क्रीम। इसका प्राइस है 250 रुपीस। तो ये एकदम पॉकेट फ्रेंडली है। जैसे टेट्रा क्रीम है बहुत ज़्यादा कॉस्टली, सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये क्रीम हम सब अफोर्ड कर सकते हो। 250 रुपीस में मिल रहे हैं 50 ग्राम प्रोडक्ट और पूरा का पूरा केमिकल फ्री प्रोडक्ट और साथ ही साथ SPF 15 प्लस के साथ। तो ये प्रोडक्ट का फायदा बहुत सारा है। ऐसा नहीं है कि एक दिन यूज़ करने से आप लोगों को ग्लोइंग ब्राइट स्किन मिल जाएगी, लेकिन डे बाई डे यूज़ करने से स्किन हो जाएगी ग्लोइंग एंड ब्राइट और स्किन में सन प्रोटेक्शन भी दे देगी। और साथ ही साथ स्किन में अगर पिगमेंटेशन जैसे प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। स्किन में अगर ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स जैसे प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी और स्किन को बना देगी पूरा के पूरा हेल्दी। तो ये है सेकेंड प्रोडक्ट और इसको आप लोग आराम से यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर स्किन में पिंपल है तो फेयर एंड ब्राइट डे क्रीम को यूज़ मत कीजिए, उससे प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। तो अभी आ गया एक प्रॉब्लम कि टेट्रा क्रीम भी ब्राइटनेस के लिए है, फेयर एंड ब्राइट डे क्रीम भी ब्राइटनेस के लिए है, तो कौन सा वाला यूज़ करूँ। देखिए, अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, स्किन बहुत ज़्यादा डल, ड्राई, डैमेज है, डे बाय डे आपके स्किन डार्क हो रहे हैं, तो यूज़ कीजिए टेट्रा क्रीम। उस टाइम में फेयर एंड ब्राइट में कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप लोग स्किन केयर करना चाहते हो, स्किन ठीक ठाक है, स्किन में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो यूज़ कीजिए फेयर एंड ब्राइट डे क्रीम। उसके लिए आप लोगों को टेट्रा क्रीम यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्राइस में आते हैं। और अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो टेट्रा क्रीम ही यूज़ कीजिए, क्योंकि टेट्रा है एक प्रीमियम रेंज। अल्टीमेट रिजल्ट के लिए टेट्रा क्रीम को ही मैं सजेस्ट करूंगी। अभी चलिए थर्ड प्रोडक्ट के बारे में बातें करते हैं। और थर्ड प्रोडक्ट है केयरशीट एरोमाथेरेपी स्किन डिफेंस ऑरेंज क्रीम। ये है एक न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट, लेकिन बहुत सारे कमेंट आ गए हैं कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है। मैं तो ये प्रोडक्ट का सच में फैन बन गई हूँ। आपके स्किन टाइप जैसे भी हो, ऑरेंज क्रीम अप्लाई करने के बाद ही तुरंत स्किन में एक अलग सा ग्लो आ जाएगी और स्किन से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इधर 7 प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया है। इम्प्रूव्स एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन स्किन, सूथ्स ड्राई, रफ एंड इरिटेटेड स्किन। अगर आपके स्किन सेंसिटिव भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो ऑरेंज क्रीम। इम्प्रूव्स नेचुरल स्किन डिफेंस, बूस्ट कोलाजन प्रोडक्शन, हेल्प्स इन स्किन रिजुविनेशन, प्रोमोट्स ब्लड फ्लो, ट्रीट्स एक्ने। तो ये प्रोडक्ट का काम बहुत सारा है और प्राइस भी है सबसे कम, बस 160 रुपीस। तो मैं सजेस्ट करूंगी ऑरेंज क्रीम को जरूर एक बार अप्लाई कीजिए, आप लोगों को भी पसंद आ जाएगी। ऑरेंज क्रीम को एज ए डे क्रीम, डे मॉइस्चराइजर एंड एज ए नाइट क्रीम आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने से आप लोगों को मिल जाएगी हेल्दी ग्लोइंग स्किन। अगर स्किन में एक्ने है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो केयरशीट एरोमाथेरेपी स्किन डिफेंस ऑरेंज क्रीम।
एक्ने एंड पिंपल के अंदर डिफरेंस रहते हैं, वो डिफरेंस मैं और एक वीडियो में बताऊंगी कि एक्ने क्या है और पिंपल क्या है। आज मैं वो टॉपिक में नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत बड़ा लंबा हो जाएगी ये वीडियो। और फेयर एंड ब्राइट डे क्रीम को आप लोग डे में यूज़ कीजिए, इसको एज ए नाइट क्रीम अप्लाई मत कीजिए क्योंकि इसके अंदर है SPF। लेकिन टेट्रा क्रीम को भी आप लोग दिन में दो बार अप्लाई कर सकते हो एज ए डे क्रीम एंड एज ए नाइट क्रीम। तीनों के तीनों क्रीमी है, पूरा का पूरा मैट फिनिश। लेकिन ऑरेंज क्रीम यूज करने से ना मैट फिनिश के साथ साथ एक हल्का सा ग्लो आ जाएगी, लेकिन ये दो प्रोडक्ट पूरा का पूरा मैट फिनिश दे देगी और स्किन के अंदर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ऐसा नहीं है यूज करने के बाद स्किन में व्हाइट शेड छोड़ देते हैं। तीनों के तीनों प्रोडक्ट ये बहुत ही अच्छा काम का प्रोडक्ट। अभी आप आपके प्रॉब्लम के हिसाब से चूज कर लीजिए कि कौन सा वाला आपको चाहिए। और यही है मेरी आज की केयाशीट एरोमाथेरेपी टेट्रा स्किन व्हाइटनिंग क्रीम वर्सेस केयाशीट एरोमाथेरेपी फेयर एंड ब्राइट डे क्रीम वर्सेस केयाशीट एरोमाथेरेपी स्किन डिफेंस ऑरेंज क्रीम का कंपैरिजन वीडियो। अगर पसंद आए है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के मन में है तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। आप लोगों के हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।